दर्द होने पर कुछ देर अपनी वाइफ से बातें जरूर करें, क्योंकि जहर ही जहर को मारता है। इस तरह के चुटकुले और शायरी आपको पढ़ने सुनने को मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि आज तो चाय नहीं पी इसलिए सर दर्द हो रहा है। लेकिन सर दर्द में किसी से बात करने का मन ना हो और ना ही कोई काम करने का मन हो, और तो और चाय कॉफी लेने से ये दर्द और बढ़ता हो तो क्या करें? आलम ये हो कि समझ में ना आए कि जिंदगी में सर दर्द है या सर दर्द में जिंदगी छिपी हुई है तो क्या करें? नमस्कार, मैं हूं हंसा तवर, खोज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द के ऊपर। सर दर्द, आधा सर दर्द और माइग्रेन, इनमें क्या फर्क है, ये क्यों होता है, आइए इस बारे में आज बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 99% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी सर दर्द जरूर होता है, और जो 1% है जो कहते हैं कि हमें सर दर्द नहीं हुआ वो झूठ बोल रहे हैं। जब ये सर दर्द सभी को होता है और ये आम बात है तो इस पर चर्चा क्यों? क्या सर दर्द वाकई एक समस्या है? देखिए, हल्का फुल्का सर दर्द आम बात है, लेकिन इतना अधिक दर्द कि आपका रोजाना रूटीन खराब हो जाए, आपको काम करने में परेशानी आने लगे, तो वाकई ये एक समस्या है। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के ऊपर। क्या माइग्रेन और सर दर्द एक ही बात है? क्या माइग्रेन कोई अलग रोग है? मेरी बातें सुन सुनकर आपके सर में दर्द हो, उससे पहले मैं असली मुद्दे पर आती हूँ। सर दर्द को कब सीरियसली लेना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, माइग्रेन होने के कारण क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, एलोपैथी के साथ साथ घरेलू उपाय क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे योग और प्राणायाम के जरिए इससे कैसे बचा जा सकता है या इस रोग को कैसे दूर किया जा सकता है। आज हमारे साथ है पैशन फिटनेस की जुम्बा और योगा ट्रेनर सपना शर्मा। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। महत्वपूर्ण मानी गई है, एक तो है अनुलोम विलोम, एक है भ्रामरी। अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से पहले थोड़ा योगा एक्सरसाइज करने से, उसके बाद ये भ्रामरी प्राणायाम करने से और अनुलोम विलोम करने से माइग्रेन में कुछ हद तक हमें आराम मिल सकता है। जब सर दर्द होता है तो आमतौर पर सर दर्द की दवाई ले ली जाती है, चाय पी ली जाती है, बाम लगा ली जाती है या तेल मालिश कर ली जाती है। उससे भी अगर सर दर्द ठीक ना हो, सर दर्द बार बार हो रहा हो और बहुत ज्यादा सीवियर दर्द हो रहा हो, उस स्थिति में लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। क्या सर दर्द किसी और बीमारी का लक्षण हो सकता है, आइए इस पर बात करते हैं डॉक्टर कुलजीत एस आनंद से, जो कि RML हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है। देखिए, सिर दर्द जो है ये लक्षण है, इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि हम इसको क्लासिफाई दो ब्रॉडली उसमें करते हैं। एक तो प्राइमरी हेडेक्स है, जो जिसमें हमारे पास माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है और टेंशन टाइप हेडेक है, और सेकेंडरी हेडेक है जिसमें कि कुछ कारण यदि हम व्यक्ति की जांच करवाएं तो पता लग सकता है कि उसके अंदर कहीं ट्यूमर तो नहीं है, कहीं दिमाग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं दिमाग में कोई नसों का गुच्छा तो नहीं बना हुआ, नस फूल तो नहीं गई, कि वो भी हेडेक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हेडेक की सिम्टम है, बाकी सब उसको जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो पता लगता है कि इसका क्या कारण है। यदि व्यक्ति को अटैक्स के फॉर्म में हेडेक आ रहा है, जैसे कि उसको कभी हेडेक हुआ 4 से 5 घंटे हेडेक हुआ, बीच में ठीक रहा तो चलता जा रहा है, यदि वो इस दिमाग के एक तरफ हो रहा है, आधे हिस्से में हो रहा है और बहुत ही थ्रॉबिंग टाइप है जिसको पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं, और साथ वोमिटिंग हो रही है, तो हमें लगता है कि ये माइग्रेन के लक्षण। सर दर्द और माइग्रेन में क्या फर्क है? क्या माइग्रेन ही सर दर्द है या सर दर्द को ही माइग्रेन कहते हैं? और अगर ये दोनों एक ही चीज है तो फिर माइग्रेन की बात अलग से क्यों? आइए इस पर सुनते हैं डॉक्टर सुमित सिंह का क्या कहना है। डॉक्टर सुमित सिंह वीएल सोनी गोल्ड मेडल अवार्डी रह चुके हैं, ये एम्स में भी काम कर चुके हैं और ये एडिशनल डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी एट मेदांता भी रह चुके हैं। नहीं, हेडेक जैसा कि अभी बताया गया कि हेडेक एक लक्षण, और ये भी हमने बताया आपको कि सेकेंडरी और प्राइमरी दो प्रकार के हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक्स फिर 4 प्रकार के होते हैं, उसमें होता है माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और अदर क्रेनियोफेशियल डिस्टर्बेंस। तो जो माइग्रेन है वो यूजुअली ऐसा दर्द होता है जो सर में एक साइड होगा। दर्द होने के टाइम पे मरीज का मन करेगा कि लाइट बंद हो जाए, आवाज बंद हो जाए, जो कोई डिस्टर्ब ना करे। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है। उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि दर्द से पहले उसको कुछ आंख के आगे ऐसा लगे जैसे लाल पीले तारे आ रहे हैं, या विजन एक साइड का थोड़ा कम होता चला जा रहा है,
और यूजुअली ये दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक रहता है और किसी कार्य को करने से बढ़ता है और रेस्ट से इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसा हेडेक जो एपिसोडिक हो, सर के एक साइड में हो, वो माइग्रेन है। फिर दूसरा तरीका हेडेक होता है कि जैसे आप, मैं उसको बॉस इंड्यूस हेडेक बोलता हूँ, कि जब बॉस आते हैं तो हेडेक शुरू होता है, जब तक बॉस ऑफिस में रहते हैं तब तक वो सर दर्द रहता है। जी, तो वो दर्द जो धीरे धीरे करके दिन के साथ बढ़े और शाम को 5-5:30 बजे ऐसा लगे जैसे बहुत ज्यादा भारी हो गया सर, वजन रखा हुआ बहुत तेज और खिंचाव की फीलिंग हो, उसको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। ये दर्द रोज होता है और जैसे आप घर आते हैं, घर पे आके रिलैक्स करते हैं, वैसे वैसे ये हेडेक धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक, जो कि बेहद सीवियर हेडेक होता है, जिसको हम सुसाइडल हेडेक बोलते हैं। वो इतना ज्यादा तेज हेडेक होता है कि मरीज उसमें सुसाइड तक करने को तैयार है। स्ट्रिक्टली एक साइड होगा, स्ट्रिक्टली एक टाइम पे होगा और क्लस्टर्स में आएगा, जैसे 4-6 हफ्ते तक लगातार चलेगा, रोजाना बिना नाका, रात को 12 से 2 बजे के बीच में वो मरीज भागते हैं सर से उधर, अपना सर दीवारों से दे दे के मारते हैं। तो ये होता है क्लस्टर हेडेक और फिर बाकी होते हैं क्रैनियल हेमरेजेस। तो ये है तो सारे हेडेक्स, लेकिन इनके लक्षण अलग अलग है, इसीलिए इनको नाम अलग दिया गया है, इनके सिम्टम्स अलग है और इनका ट्रीटमेंट कतई अलग। माइग्रेन या सरदर्द का सबसे बड़ा कारण जो मैं मानती हूँ वो है स्ट्रेस यानी तनाव। जरा जरा सी बातों पर लोग तनाव ले लेते हैं। मान लीजिए सास ने कुछ कह दिया तो जी तनाव हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया तो तनाव हो गया। देखिए जिंदगी है तो तनाव तो होगा ही, ये हम सब जानते हैं, लेकिन लिमिट से ज्यादा तनाव लेना आपके माइंड के साथ साथ आपकी हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। तो जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें और ऐसी चीजों के संपर्क में जाएं जहां आपको अच्छा लगता है, इमोशनली अच्छा लगता है। अपनी फ्रेंड से बात कर लें या फिर हल्का फुल्का म्यूजिक सुन लें। अब दूसरे नंबर पर आता है लैक ऑफ स्लीप यानी कम सोना या ज्यादा सोना। ज्यादा सोना भी इसका एक कारण है माइग्रेन का, सरदर्द का। जी हाँ बिल्कुल, ज्यादा सोना भी इसका एक कारण है। तीसरे नंबर पर आता है हंगर और डिहाइड्रेशन, मतलब भूखा रहना या फिर कम पानी पीना, ये भी एक कारण है। भूखा रहना, हमारे यहाँ पर भारत में एक उपवास करना, व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है। मान लीजिए करवा चौथ का व्रत है, नवरात्र है या रमजान है, उनमें व्रत करना बड़ा अच्छा माना जाता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भूखे पेट ना रहे, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स ले लें, कुछ ना कुछ बीच में लेते रहे ताकि ये आप पर हावी ना हो। चौथे नंबर पर आता है फूड्स यानी खाना। जी अब आप कहेंगे कि खाना कैसे माइग्रेन का कारण हो सकता है। जी हाँ, कम खाना भी, जैसे मैंने बताया आपको, फास्टिंग करना भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ऐसे फूड भी माइग्रेन का कारण बनते हैं, जैसे चीज बहुत लोग खाते हैं, अचार, बहुत तला पका। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में है, आपको टाइम नहीं मिला खाने का, तो चलो खाना नहीं लाए तो चलो एक समोसा खा लिया, पकौड़ी खा ली, चाट खा ली, ये बिल्कुल बहुत ही गलत आदत है। हाँ जी, आर्टिफिशियल स्वीटनर और फ्लेवर इनहेंसर जिसे MSG कहते हैं, जो कि चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी इसका एक कारण है। इसलिए कोशिश करें कि बाहर का कम से कम खाएं, और बाहर का खाने की जरूरत भी पड़े तो कुछ इस टाइप का खाएं जिसमें ये सब MSG वगैरह की मिलावट कम हो। और फिर आता है पांचवें नंबर पर कैफीन, टी एंड कॉफी, ये भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि एक एक घंटे के अंदर वो कॉफी उनको लेने की आदत होती है और वो लेते हैं, या फिर एक पूरा बहुत बड़ा मग भर के चाय का पी लिया। नहीं, चाय लेनी है थोड़ी सी, लिमिट में। अब छठे नंबर पर आता है मेडिकेशन ओवर यूज। जी हाँ, अगर आपको आदत है किसी ना किसी दवाई की बार बार लेने की, जरा सा दर्द हुआ आपने पैरासिटामोल ले ली या कोई भी दवाई ले ली, ये भी बहुत ही गलत आदत है। तो ये दवाई के भी साइड इफेक्ट हैं, जैसा आपको बताया गया था कि एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। अब आता है नंबर 7 पे, आता है स्ट्रॉन्ग स्मेल। मान लीजिए कई परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी आपके लिए सरदर्द का कारण बन सकती है। परफ्यूम नहीं, किसी भी टाइप की स्मेल हो उनसे दूर रहना चाहिए। सिगरेट का धुआं हो गया या फिर कोई बहुत कूड़ा करकट जहां जमा है उसकी स्मेल बहुत तेज है, वहां से भी आप दूर रहें। फिर आता है ब्राइट लाइट्स एंड लाउड स्पीकर्स। हाँ जी, बहुत ज्यादा साउंड होती है, लाउड साउंड्स होती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्राइट लाइट, बहुत तेज ज्यादा लाइट हो, धूप में निकल गए, बहुत तेज धूप है उसमें निकल गया बाहर अचानक, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। तो ये अवॉइड करें, अगर जरूरत पड़ती भी है तो अपना सनग्लासेस यूज करें या कुछ थोड़ी देर आप सो जाए, मतलब
अगर आपने जैसे लाउड स्पीकर आपने सुना है या धूप में रहे हैं तो थोड़ी देर आराम कर लें, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। अब चेंजेस इन वेदर, अगर जैसे मौसम चेंज होता है उसमें भी आपको माइग्रेन या सरदर्द हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ गर्मियों में ही माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में कभी भी हो सकती है। जब स्पेशली मौसम चेंज होता है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मौसम का आनंद जरूर लें लेकिन साथ में अपना भी सरदर्द का भी ध्यान रखें। नंबर 10 में है फीमेल हार्मोन्स। फीमेल्स में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो उनको मासिक धर्म आता है एवरी मंथ, उस टाइम पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी भी कोई भी, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस वो ले लेती हूँ, उस दौरान भी हार्मोन्स चेंज होते हैं और ये एक कारण माइग्रेन का बन सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, जी हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना भी एक इसका कारण हो सकता है, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, ये दोनों ही कारण माइग्रेन के हो सकते हैं। और साइनस जैसी बीमारी भी सरदर्द का और माइग्रेन का कारण बन सकती है, तो इससे रिलेटेड उपाय करें, डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज कराएं। देखिए, माइग्रेन का इलाज ना तो बहुत ही लंबा है और ना ही बहुत महंगा है, सो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब दूसरी बात रही इनके उपाय की, तो देखिए उपाय तो इनके कारणों में ही छुपे हैं। अगर आप इन कारणों का उपाय कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको माइग्रेन होगा ही नहीं, माइग्रेन आपको ट्रिगर करेगा ही नहीं। और दूसरी बात रही कि जैसे स्ट्रेस के बारे में कहा गया कि जिंदगी है तो तनाव होगा ही, तो उस तनाव को रोकने के क्या कारण है? तनाव तो होगा, यह हम मानते हैं, लेकिन उस तनाव से कैसे निकला जाए, उसे कैसे ना बढ़ाया जाए, उसे कैसे कम रखा जाए, जैसे हम टाइम मैनेज करते हैं, जैसे हम मनी मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना होगा। आप मेडिटेशन करें, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट प्राणायाम या योगा करें, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को भी अगर करते हैं तो आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा रहा, देखिए जो खाने पीने से भी हमारे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है, तो इन तनाव को और जो हमारी पाचन क्रिया है उसको ठीक रखने के लिए हमें करना चाहिए योगा और प्राणायाम। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओमकार का नाद किया जाता है, इसमें दोनों उंगलियां, हाथ की तीनों उंगलियां अपनी आँखों पर अंगूठों से कान को बंद कर लें। ओमकार का उच्चारण करेंगे, ध्वनि निकालेंगे नाक से। इसको हम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 5 मिनट से 10 मिनट जितना चाहें कर सकते हैं। शुरुआत में हम इसको 5 बार से शुरू करते हैं। तनाव मुक्ति के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। आजकल सभी बीमारियों की मूल जड़ है तनाव। तनाव स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ इंक्वायरी के लिए बेस्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे अधिक और कुछ नहीं, ओमकार का नाद, ओमकार की ध्वनि, मुख बंद करके दांत से दांत को नहीं भींचेंगे, जीवा अधर में रहेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इसमें ऑक्सीजन का जनरेशन भी खूब अच्छे से होता है, लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसको सही तरीके से करें, पूर्ण लाभ लें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले इसका सही तरीका जान लें ताकि आपको पूर्ण लाभ, 100% बेनिफिट मिले इसका। इसके लिए हम बनाएंगे वायु मुद्रा। अंगूठे को, तर्जनी को अंगूठे की रूट में लगा लें। वायु मुद्रा गैस के लिए प्रयुक्त होती है, जो कि वायु विकार आजकल सभी लोगों में बहुत अधिक है, तो अनुलोम विलोम में हम इसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अपने दाहिने हाथ को उठाएं, दाई नासिका को बंद करें, बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास लें,
दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें, फिर दाएं से भरें और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत हमको बाएं नासिका से करनी है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। लंबा गहरा धीमा सहज श्वास, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। यह प्राणायाम हार्मोन का इम्बैलेंस ठीक करता है, हार्मोन से संबंधित गड़बड़ी ठीक करता है। शरीर के समस्त अंगों में, अंदरूनी अंगों में संतुलन बनाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायी है, माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, मेधा शक्ति का विकास होता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रेस को भी दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और भी कई अनगिनत फायदे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के, सही तरीके से करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। माइग्रेन हो, सर दर्द हो या इस तरह की कोई भी बीमारी हो, यकीन मानिए आप इन सबसे बच सकते हैं। कैसे? खुश रहकर। जी हाँ, अगर आप खुश रहेंगे तो ये बीमारियाँ भी आपसे दूर रहेंगी, दूरी बनाकर रहेंगी। हेल्दी रहें, खुश रहें, खोज न्यूज़ 24 देखते रहें। इन सब के साथ ही आज की विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।